जोहार दोस्तों, और सबसे पहले आप तमाम लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामना, होली मुबारक हो। साथ ही रमजान का महीना चल रहा है, आप तमाम लोगों को रमजान का भी मुबारक हो। हम लोग आज बात कर रहे हैं कि जेपीएससी को भी जेएसएससी के जैसा ठीक करना पड़ेगा। इसका भी जो है नट बोल्ट ढीला हो गया है, बता रहे दोस्तों। हम लोग सीधा बात बता रही, इतनी हड़बड़ी ये मचा करके रखा है। मैंने ये प्रूफ के साथ मीडिया में कहा कि ये देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन का जो मामला था, 20 सेट ही दो तरह का बनाया गया, कितना भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है, उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या ऐसा बात है, इतना दिन से इसको हड़बड़ी नहीं था और अभी जो है हड़बड़ जल्दी यहां तक तो बता रहे हैं जेएसएससी से भी बड़ा घपला भी जेपीएससी में होने वाला। मैं बता रहा हूं, जैसा छात्रों का कहना है वो तो घरे घर जीता, इसका भी घरे घर होगा। आपको बता रहे हैं, जो लड़का डर रहा है वो डरने की जरूरत नहीं। बार बार पुलिस बोलता है आचार संहिता, कौन चीज का आचार संहिता दे गया है। आचार संहिता मतलब क्या होता है? जब बोलता है कि नहीं आप भीड़ नहीं लगा सकते, अरे भैया भीड़ नहीं लगा सकते बाजार कैसे लग रहा है आपका? और आचार संहिता कार्य रांची में चलेगा, वह दिल्ली में केजरीवाल हुए गिरफ्तार तो का वहां आचार संहिता नहीं है, वहां के लोग ने किया आंदोलन, आनी हमारा शोषण होते रहे। अगर कोई मार देगा और उसके विरुद्ध में हम रोड जाम ना करें, अगर यदि थाना पुलिस नहीं जाए, ये कैसा आचार संहिता है? ये सीट बेचता रहे और हम लोग मुख तक करके बैठे रहेंगे, ये आचार संहिता? आनी आचार संहिता सिर्फ और सिर्फ छात्रों पर लागू होता है, यानी सब सीट बेचा जाएगा, सब चीज घपला होगा, ये चीज पर आचार संहिता लागू हो जाएगा। हम अपनी बातों को किसी के सामने रख भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री सुनिए ना, मीडिया से इतना देख ना ही बता रहे हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष मिलना चाहती हैं, ना ही मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। ऐसे ही कर रहा था जेएसएससी में भी। आप लोगों में बहुत शक्ति है मेरे मित्रों, बता रहे बहुत शक्ति है। अरे भैया हम कहां बोल रहे हैं कि आप, हम लोग जो विरोध करने जाएंगे वहां पर हम लोग उग्र हो जाएंगे? हम लोग अपना विरोध जरूर करेंगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे। और गुस्सा जब फटेगा तो फटेगा, होगा तो होगा, हम क्या करेंगे? हम थोड़े वो थर्मामीटर नाप के चल रहे हैं कि इतने घुसाना है, इतने मारना है। गुस्सा होगा होगा, हम लोग जो है पूरी तरह से, आप आज एक 26 तारीख हम जान रहे हैं, होली त्योहार बहुत अच्छा है, लेकिन होली उसी का है मेरे मित्रों जो दो पैसा रहता हो, टकवा रहता हो, होलियो बेस लागता हो, रंगोट बेस लागता हो। अभी तो आधा से ज्यादा हमार जो झारखंड के लड़का हाथी पीजीटी तो बेचिए दल का है, लेबवा बेचिए दल का है, और जो है से व्यवहार नगर निगम के वह हाल है, और अपनी जो है सीजलवा तो भीतरे चल गला है, और अपनी जेपीएससी में लागल है ओकरो यह हाल है, सब लड़का घर न जा रहा है, होली में लाज से न जा रहा है। बता रही हूँ कि हम दिल के बात कर रही हूँ, होली जैसा त्योहार खुशी के त्योहार है, रंग अबीर मिलुगवा लगवती आदमी कते वह रंग अबीर खिलाती, गले से गले मिलो है की मिलता है, घरों में जीते जगत जे ना शादी भले तो कने मिलते पूरा हिल ओकरा पूरा समाज में जे है, अरे कहिया नौकरिया तो की कर भी रे सरकार ऐसे कर दर को। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब जनता जे हमारे झारखंड, हम यह को ये चुना ही घड़िया चुनो ही और 5 साल हमारा धुनो तोहनी भेजो है चुन के, और वहां जाओ विधानसभा में सुत जाओ आंख मूंद के,
अरे अभी काम करे सब अभी अभी ओकरे देवो ओकरे देवो ओकरे देवो। भ्रष्टाचार के कहा कौन तोरा के बचे तब तो कौन पटिया की उम्मीद करो भाजपा बचे तब। अरे करोड़ों रुपया के घपले बाज करने वाला जब पूरे विश्व में नाम था मधु कोड़ा का, आज उसकी पत्नी गीता कोड़ा भाजपा में चल गई साफ। ये चीज को तुम लोग समझो, ये चीज समझो, तेरा कोई रखवाला नहीं है मनोज यादव को छोड़ करके। हम बता रहे हैं कि अगर यदि मैं ऊंची आवाज से बात करता हूं इसलिए कह कि मैंने कभी बिकने का काम नहीं किया, कभी झुकने का काम नहीं किया, चाहे पारा टीचर का लड़ाई हो, जेपीएससी लड़ाई हो, जेएसएससी लड़ाई हो, मैंने दिल से बहुत अफसोस होता है कि चुन लेते हो आप लोग 5 साल के लिए ऐसे सरकार को और 5 साल तक जो है रोड पर हमको मार खिलवाते हो, केस खिलवाते हो, सब चीज करते हो। हम होली के शुभ अवसर पर आपको बता रहे कोई भी फ्रस्ट्रेशन में मत जा, हमारे सब दोस्त तो नहीं है, देखे जिंदगी है तो बहुत कुछ है मेरे मित्र। अगर यदि जिंदगी है तो बहुत कुछ है, जिंदगी खत्म नहीं होती है, कोई किसी के बिना खत्म नहीं होता है। हम बता देते हैं कोई किसी के बिना खत्म नहीं होता है, सब कोई सबके बिना जी सकता है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। जैसा कि मुझे पता चला है कि रात को मीटिंग भी हुई है बहुत बढ़िया से, और जिसमें लोग का कहना है कि हम लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं, एक एक मीटर के दूरी पर कम से कम 1000-2000 लड़का मानव श्रृंखला तो बना सकते हैं, है मानव श्रृंखला बनाएंगे। जेपीएससी में गड़बड़ी है, ये सब जगह मानव श्रृंखला बना, ये जो है हरेक जिला के एटी में जाकर के, चाहे तो वह देवघर जिला हो, गोड्डा जिला हो, कोडरमा जिला हो, गिरिडीह जिला हो, हजारीबाग जिला हो, और न पार में तो सब रांची आओ, सब रांची आओ। लालपुर से जो है सेवा जेपीएससी तक दोनों तरफ से वह मानव श्रृंखला बना। हम लोग नए धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, नहीं विरोध भी हमारा नहीं कर देगा, वो करेगा हमारा इज्जत लूट लेगा तो हम विरोध भी नहीं करेंगे, मेरा भविष्य में बात करेगा तो विरोध नहीं करेंगे। आचार संहिता है, ये आचार संहिता का नाम लेकर के आचार चटा देगा। अगर यदि नहीं लड़ोगे मेरे मित्रों लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि खून खराबा करना, लड़ने का मतलब होता है विरोध करना। लड़ने का मतलब अब विरोध करने के दौरान क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन विरोध तो करूंगा, नहीं मानेगा तो कुछ होगा, हम क्या करेंगे, केस होगा। अगर यदि यही चीज केस 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 तो तेरा जिंदगी में ठेस पहुंच जाएगा। कभी सोचे हो 5 साल 10 साल के बाद कहां जाओगे घर में, 10 साल के बाद घर में मिलने के लिए जाओगे तो गलीन पढ़ाई की बल फिर दिल्ली बंबई यही चीज होगा। हम लोग विरोध करेंगे, इसके लिए एकर नट बोल्ट जेपीएससी के टाइट करे पड़ता, ना टाइट कर भी तो भीतरे जीव हम की कर सको। ये आप लोग मुझे ताकत देते हैं तभी मनोज यादव, हम आपको ताकत देंगे, आप मुझे ताकत दीजिए, मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, हम यही कहेंगे। और तमाम छात्रों से होली बढ़िया से खेलना है, रहना है। अरे फ्रस्ट्रेशन में नहीं मेरे मित्र, इंजॉय करते हुए करो ना, लड़ेंगे नहीं हुआ तो लड़ेंगे, इसका मतलब थोड़े कि वह जिंदगी समाप्त हो गया है। कभी भी फ्रस्ट्रेशन में ना रहना, इंजॉय करना, होली एक मिलन जुलन के त्योहार, हंस बढ़िया से, और हंस तकर बाद ओकरा जेपीएससी के फांस तकर बाद ओकरा अथी करबे, पहले खुशी से बढ़िया आ जाके वह पाक चौक बढ़िया से खो। कल झाप तो ऊपर आख ले तू पता नहीं, अभी होली को सुनो लियो कि होलिका दहन के अगले दिन होली रोलो, तो कल तू राय को कुबा होलिका दहन काल को झाप तो पर 26 के हो तो होली जहना आवे बप्पा जे कह ले तिसे करबे। और होली मनाओ, खुशी में रहिए, जहां आप बोलिएगा मनोज यादव आपके लिए तैयार है। और बता रहे हैं अपने अंदर जो है स्वाभिमान जगाइए,
अपने के अंदर अरमान जगाइए। अरे मुर्दा जैसा जीने से बेहतर है, दूसरे के टुकड़े पर पलने से बेहतर है कि साला कुकुर जो है सो वह कहते ना दूसरे पर वह टुकड़ा पर पलता है, दिन भर पूंछ हिलाता है। पूंछ हिलाने का काम मत करो मेरे मित्र, हम बोल रहे हैं साथ दो और आगे बढ़ो। आपका ये हमारे आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष के कारण या कहिए भारतीय जो चल रहा है उसके अनुसार हम लोगों का नया साल चैत महीना में फागुन के बाद यानी होली के बाद होगा। इसलिए आपका साल नया साल बहुत मंगलमय हो। हम आप लोगों का कामना करते हैं कि नवंबर तक यानी 2024 में ही आप लोगों का भविष्य अच्छा हो, आप लोगों का नौकरी लगे। यही शुभकामना के साथ तमाम लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।